दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं न्यूरो फाइब्रोमा को लेके। न्यूरो फाइब्रोमा में सबसे पहले एक ही बात, आप लेट ना करें, पुराना ना करें, इलाज जल्द से जल्द लें, क्योंकि न्यूरो फाइब्रोमा जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा टाइम ठीक होने में लगेगा। ज़्यादा पुराना हो गया, अगर मांस की गांठ हार्ड हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए न्यूरो फाइब्रोमा वालों को एक ही बात कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द इसका इलाज करना शुरू करें और सही जगह इलाज करवाएं। दोस्तों, न्यूरो फाइब्रोमा के बारे में आज हम बहुत सी बातें करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इलाज कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग ठीक हो रहे हैं, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे हिसाब से मुझे पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। रिजल्ट स्लो जरूर होता है लेकिन ठीक जरूर होता है। जो कोई इलाज कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं फ़ोटो उन लोगों की शेयर करता रहता हूं, आप लोगों को समय समय पर ज़रूरत बातें बताता रहता हूं। न्यूरो फाइब्रोमा में मैंने देखा है कि मार्केट में अधिकतर लोग उनको मना कर देते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बीमारी क्या है, किस तरह से है, ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या आप जो दवा ले रहे हैं वो आपको फ़ायदा कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें देखते हुए ही आपको अपना इलाज बढ़ाना है। दोस्तों, जैसे कि जब हम न्यूरो फाइब्रोमा का इलाज करते हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली डाइट करवाते हैं, देख रेख में इलाज करते हैं, और मेरी शर्तों पर इलाज शुरू किया जाता है कि आपको पर डे का डाइट अपडेशन हमको देना पड़ेगा, पर डे का आपको रूटीन हमको बताना पड़ेगा, क्या दवा ले रहे हैं, किस समय पर कौन सी दवा आपने ली है वो हमको बताना पड़ेगा, हमारी दवा आपको हमारे हिसाब से ही खानी पड़ेगी, हमारे अंडर में ही रह के आपको अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है तो उसकी दवा भी हमसे पूछकर ही लेना पड़ेगी। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तब जाके न्यूरो फाइब्रोमा जैसी बीमारी ठीक होती है। लेकिन जो लोग इलाज कर रहे हैं वो जानते हैं कि अभी तक हम भटक रहे थे सभी जगह, अब हम इलाज जो सही कर रहे हैं हमको फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जिन महिलाओं को न्यूरो फाइब्रोमा है उन वो इलाज कराती हैं और डॉक्टर उनको एक दो दवा दे देते हैं और बोलते हैं कि आपके बच्चों में न्यूरो फाइब्रोमा नहीं होगा। जब दोस्तों आपको कोई बीमारी है, उस बीमारी में जब कोई अंतर नहीं आ रहा है, जब वो बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, उस आपकी जो बीमारी है उसमें कम से कम रुकना चाहिए, रुक नहीं रही है, वो बीमारी थोड़ी बहुत कम नहीं हो रही है, फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि वो दवा आपके ऊपर काम कर रही है और आने वाली जनरेशन में वो बीमारी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये पागल बनने वाले काम, उल्लू बनने वाले काम ना करें। आपके साथ आपके बच्चों में भी ये बीमारी आती है अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर आपकी बीमारी ठीक हो रही है, अगर आपकी बीमारी में फ़ायदा हो रहा है, अगर आपकी बीमारी रुक गई है, ठीक होना कम होना शुरू हो गया है, तो हम मान सकते हैं कि ये बीमारी आपके बच्चों में अब नहीं आएगी, या बच्चों में आएगी तो आप तुरंत इसका ट्रीटमेंट करवा देना तो ये बीमारी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी और ठीक हो जाएगी। लेकिन जब आपको ही कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपकी बीमारी में कोई रिजल्ट नहीं है, तो आपके बच्चों में वो कैसे ठीक कर सकती है, कैसे रोक सकती है? क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं न्यूरो फाइब्रोमा वाले, बोलते हैं हमको तो हुआ ही, हमारे बच्चों में भी हो रहा है, और हम बहुत से डॉक्टरों से दवा लिए थे, उन्होंने बोला था कि आप ये दवा खा लीजिए, आपके बच्चों में नहीं आएगा, और वो दवा से हुआ, रुका नहीं, उनके बच्चों में भी आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके बाद आपके बच्चों में आने के चांसेस 90% होते हैं, लेकिन जब तक आपके ऊपर सही दवा का प्रयोग नहीं किया जाएगा आप अपने बच्चों में आने से भी नहीं रोक सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि न्यूरो फाइब्रोमा में भी वो लाइपोमा की दवा देते हैं, जो दवाइयां लाइपोमा में चलाई जाती हैं मार्केट के अंदर, वही दवा वो न्यूरो फाइब्रोमा में देते हैं और बोलते हैं कि हमारा ठीक नहीं हुआ, हमने आपके रूल्स फॉलो किए थे। बहुत से बेवकूफ लोग भी ऐसे हैं जो मेरे लाइपोमा वाले वीडियो देख के न्यूरो फाइब्रोमा में फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि उनका न्यूरो फाइब्रोमा ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि न्यूरो फाइब्रोमा अलग चीज़ है, लाइपोमा अलग चीज़ है, जस्ट अपोजिट उसके रूल्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। लाइपोमा में बहुत सी चीजें कर सकते हैं, न्यूरो फाइब्रोमा में बहुत सी चीजें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लाइपोमा में धूप में घूमना, धूप में बैठना बहुत फायदा करता है, न्यूरो फाइब्रोमा में धूप में जाना, गर्म पानी पीना, गर्मी में रहना बहुत नुकसान करता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि लाइपोमा में कम डाइट करना फायदा करता है, न्यूरो फाइब्रोमा में कम डाइट करना नुकसानदायक होता है।
तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, तब जाके आप इस बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। बार बार वही बोलूंगा मैं, अपनी बीमारी को पुराना ना करें, क्योंकि जो लोग मुझसे इलाज करते हैं, हम देखते हैं कि उनके जो पुराने मोटे मोटे न्यूरोफाइब्रोमा हो गए थे, उनमें रिजल्ट बहुत स्लो मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत स्लो ठीक होते हैं, और जो नए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए हम आपको ये बोलेंगे कि आप अपनी बीमारी को बिल्कुल भी पुराना ना करें। दोस्तों, इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं छोटी छोटी, जैसे कि बहुत से लोग खाना नहीं खाते हैं, बहुत से लोग गर्म खाना खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों, ये सब चीज़ में नुकसानदायक होती है। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और वो सलाह देते हैं आपको, एक तो वो बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ऊपर से आपको बता देते हैं कि आप गर्म पानी पिया करो, तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, क्योंकि गर्म पानी से ये बीमारी बढ़ती है। आपको इन सब चीज़ों का बहुत सोच समझ के परहेज करना, क्योंकि छोटी छोटे जो उपाय होते हैं, परहेज होते हैं, घरेलू उपाय होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको कभी कभी नुकसान भी दे देते हैं। जैसे मैंने देखा है कि बहुत से लोग काढ़े पीते हैं, काढ़ों को लंबे समय तक पिया जाए तो बहुत नुकसान करता है, लीवर में नुकसान करता है, पेट में नुकसान करता है, हमारी जो ईसोफेगस ट्यूब होता है उसमें भी स्वेलिंग कर देता है, खांसी की जगह गले में सूजन हो जाती है और वो खांसी फिर रुकती नहीं है। तो बहुत सी जानकारी, अधूरी जानकारी भी हमको नुकसानदायक करती है, तो कभी कभी घरेलू उपाय भी हमको नुकसान कर जाते हैं। इसलिए कोई भी चीज करें, एक्सपर्ट से पूछ के करें, या आपको लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जानकार है, उन चीजों के ऊपर काम करता है, उसकी बात आप फॉलो करें। दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा में कुछ चीज़ें और ज़रूरी, जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर आपकी नींद ख़राब है, अगर आप सोते नहीं हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी कारण से हो सकता है, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा के लोग रात को जागते हैं, सोते नहीं हैं। इसलिए जो लोग लेट सोते हैं, तो आप लेट सोना बंद कर दें, जल्दी से जल्दी सोएं और सुबह अपनी 7-8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद ही जागें, तब आप जो मेरी दवा ले रहे हैं, मेरे मुझसे जो इलाज कर रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे फायदा हो रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करें। इसलिए वीडियो बनाए जाते हैं कि आप जल्दी ठीक होंगे तो आप जल्दी अपनी बीमारी से निजात पा पाएंगे और दवाइयों से छुटकारा ले पाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक दवाई लेना कौन चाहता है, कौन चाहता है कि हम बहुत ज्यादा परहेज में रहें, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट परहेज होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से ठीक हों, परहेजों को छोड़ें और फ्री हों और बताएं कि मैंने आपको ठीक किया है। दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक करने के लिए स्ट्रिक्ट परहेज की ज़रूरत तो होती ही है, साथ में डिसिप्लिन और मुझसे ईमानदारी। अगर आप मेरे साथ ईमानदारी करेंगे, अभी कल की बात बता रहा हूँ कि एक लड़की ट्रीटमेंट कर रही है, वो बाहर रहती है, वो मुझे बताती है कि वो खिचड़ी खाती है, दाल चावल खाती है, रोटी बताती है। उसकी मम्मी का अलग से मैसेज आया मेरे पास कि सर वो गलती कर रही है और आपका ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं ले रही है, फास्ट फूड खाती है, अंडे खाती है। तो ऐसी गलती आप कर रहे हैं, मुझे झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझिए, आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, खुद के साथ नुकसान कर रहे हैं। आप मेरा केवल मुझसे आप झूठ जरूर बोल रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा बस यही होगा कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी तो मैं आगे आपका इलाज नहीं करूंगा, मना कर दूंगा कि मेरी दवा से आप ठीक नहीं हो रहे, मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप अपना भविष्य खराब कर रहे हो, सही डॉक्टर को, सही चिकित्सक को, सही चीज़ को आप भूल जाओगे, या बोल सकता हूँ आपको फिर मेरे यहाँ से दोबारा इलाज नहीं मिल पाएगा, आप पछताओगे, क्योंकि आप गलती करोगे, आपको फायदा नहीं होगा, मैं खुद इलाज बंद कर देता हूँ, दोबारा इलाज नहीं देता हूँ। इसलिए ऐसी गलती ना करें कि मैं आपका इलाज बंद कर दूं और दोबारा इलाज देने के लिए भी मना कर दूं, फिर आप सही जगह सही इलाज लेने के लिए भटकें और अपनी बीमारी को बढ़ाएं और परेशान हो जाएं। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप ईमानदारी से रहें, ईमानदारी से बताएं, कोई गलती होती है तो वो भी बताएं, क्योंकि सॉल्यूशन हर चीज़ के होते हैं। हम काम कर रहे हैं तो हमको पता है कि अगर पेशेंट ऐसी गलती कर दिया है तो हमको क्या करवाना है। कुछ लोगों की एक चीज़ और हुई है कि कुछ लोग बिना पूछे मुझसे सर्जरी करवा लिए हैं। मुझसे ट्रीटमेंट चल रहा था, 4-5 महीने उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनकी जो बड़ी बड़ी गांठें थी वो ठीक नहीं हो रही थी न्यूरोफाइब्रोमा की, उनका वो ऑपरेशन करवा लिए। दोस्तों, ऑपरेशन न्यूरोफाइब्रोमा में नहीं करवाना है, क्योंकि वो बढ़ते हैं दोबारा। न्यूरोफाइब्रोमा में ऑपरेशन भी की एक कंडीशन होती है कि अगर वो 50% सूख गए हैं आपके न्यूरोफाइब्रोमा की गांठें, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा की जो बड़ी गांठें होती हैं वो सूखने लगती हैं, डार्क होने लगती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, तब हम बताते हैं कि अब आप सर्जरी उनकी करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको 8-10 महीने लग जाते हैं। और छोटे छोटे न्यूरोफाइब्रोमा की तो कभी सर्जरी नहीं कराना है, क्योंकि वो वही उसी जगह पर दोबारा भी बढ़ने लगता है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और न्यूरोफाइब्रोमा की बीमारी में कभी भी आप लाइपोमा की दवा नहीं लेंगे, कोई भी दूसरे सिस्ट कम करने की दवा नहीं लेंगे, क्योंकि ये दवा और ज्यादा आपका अंदर का न्यूरोफाइब्रोमा बाहर तेजी से फेंक देगा और आपका न्यूरोफाइब्रोमा बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिन्होंने इलाज कराया था, मैंने बोला क्या इलाज
इलाज कराया था, क्या दवा लिए थे, तब मैंने देखा कि जो दवा लाइकोमा में दी जाती है वही दवा वो उसी बीमारी में यूज़ किए और उनकी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी, पूरे शरीर में फैल गई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसी भी गलती ना करें, इलाज नीरो फाइब्रोमा का करें तो सोच समझ के करें कौन सी बीमारी का इलाज है। ऐसा तो नहीं कहीं ट्यूमर की दवा आप नीरो फाइब्रोमा में ले रहे हो, क्योंकि नीरो फाइब्रोमा एक स्किन डिसीज़ है और लाइकोमा और ट्यूमर जो होती है वो एक मसल डिसीज़ है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सोच समझ के करें। मेरे सारे न्यूरो फाइब्रोमा के वीडियो देखें, उन सब चीज़ों को फॉलो करें। समय समय पर मैं ज़रूरत वाली चीज़ें आपको बताता रहूँगा, मेरी चीज़ों को फॉलो करें और पढ़े अपडेट दें, बिल्कुल भी लेट ना करें, बीमारी अधूरी ना छोड़ें। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 70% ठीक हुए और 30% में उन्होंने आधा ही छोड़ दिया, फिर 2 साल बाद आए बोले सर हमारा बढ़ रहा है, हमको दोबारा इलाज चाहिए। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपने अगर इलाज छोड़ा तो दोबारा मैं आपको इलाज नहीं दूंगा, और फिर दोबारा अगर इलाज करेंगे तो उतना ही समय आपको ठीक होने के लिए लग सकता है जितनी पुरानी बीमारी आपकी हो गई है। इसलिए बीमारी को पुराना ना करें, जल्द से जल्द इलाज लें। खासकर न्यूरो फाइब्रोमा में मैं बार बार एक ही वर्ड बोलता हूँ, पुराना ना करें, इलाज जल्द से जल्द कराएं। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को इलाज देने के लिए बंद कर देता हूं जिनकी बीमारी पुरानी हो गई है। तो ऐसा ना हो कि मैं आपको मना करूं, किसी डॉक्टर को अपने पेशेंट को मना करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं मना कर देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका पैसा खराब हो, मेरा समय खराब हो और मैं आपको ठीक ना कर पाऊं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे पास आए हैं, आप ठीक हो, और उसके लिए आपको मेरे पास जल्द से जल्द आना पड़ेगा। पुरानी बीमारी लेके आएंगे तो शायद मैं आपको यही बोलूंगा कि अब आप ठीक नहीं हो पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, इन सब चीज़ों को फॉलो करें और अच्छे से आप अपनी बीमारी को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों।